बूढ़े माता पिता की कहानी। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, ये एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है बेटे? बेटे ने कहा, पिता मैंने अभी आपको यह कहा, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, ये क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे हुए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था, जब खिड़की पर एक कौवा बैठ गया मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि ये क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा ये क्या है। पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपको माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़े और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने, अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूं। जब से मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल की, उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है।